लाइट कैमरा एक्शन एंड टेक, पता नहीं कितने यार मैं 50 बार हेलो एवरीवन बोल चुकी हूँ, ये तो फाइनल है, हो गया नहीं तो ऐसे अपलोड करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सपना जैन, यू ऑल आर वाचिंग सिप्पी द ऑलराउंडर। वैसे ये बात बहुत गलत है, यू आर नॉट शेयरिंग माई वीडियोज यार, लड़की इतनी मेहनत कर रही है, थोड़ा सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, सो देन ओनली आवर फैमिली इज गोइंग टू इंक्रीज, कम ऑन पीपल। अभी वीडियो पॉज की, गो एंड शेयर माई वीडियोज विद योर, जिससे शेयर करना है करो, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट, बट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद पीपल, सो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियोज को देखें एंड ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। ओके हो गया, तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओके तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट आई रिसीव्ड इन दिस बॉक्स, रिसीव्ड इन द सेंस कि मैंने खुद ही ऑनलाइन परचेज किया, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद ऑर्डर किया, ये मेरे पैसों से आई हुई चीजें हैं। तो मैं आप सभी के साथ अपना पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ। अभी लास्ट वीक 7th फेब टू ये वैलेंटाइंस डे वीक पे पर्पल का ये जो सेल चल रहा था, सो आई ऑर्डर सम मेकअप एंड सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट डिड आई रिसीव फ्रॉम पर्पल। एंड वैसे एक बार बताऊँ, जब मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, सिर्फ मैंने जो इसका टेप आप देख सकते हो, आई जस्ट कट दैट, इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने किसी को भी खोल के चेक नहीं किया है। एंड मुझे इतने अच्छे से याद भी नहीं है कि मुझे आई रिमेम्बर कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है, बट वो किस रियल में कैसे दिखते हैं वो मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं सब अनपैक करने वाली हूँ आपके सामने। सो या विदाउट ज्यादा बकबक किए एंड विदाउट ज्यादा रिटेक्स लिए, लेट्स गेट। सो ये जो कैची है, इससे हम इन सारे पार्सल्स को अनपैक करेंगे। जंग लगा हुआ है बट इट्स वर्किंग गुड इनफ। ओके हियर आई ओपन द बॉक्स एंड इसमें मैं देख सकती हूँ दो आइटम्स हैं, ठीक है, वो दो आइटम्स क्या हैं वो मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे आपको बताया, आई एम सो पेशेंटलेस गर्ल, जब भी मुझे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कुछ भी है, वो ऑनलाइन मेकअप किट होता है, वट एवर आई ऑर्डर ऑनलाइन, मुझे डिलीवरी वाले भैया देकर जाते हैं, आई हैव टू अनपैक इट एंड आई हैव टू यूज इट। जस्ट मुझे पता है मैंने कैसे अपने आप को रोका है 2-3 दिनों से कि नहीं मुझे वीडियो शूट करनी है, अब सबके सामने इसको अनपैक करना है, देखना है कि क्या है। ओके ओ सो दिस इज बनाना लूज पाउडर, ये है लूज पाउडर जो आपको मेकअप को सेट करने में जो भी फाउंडेशन वगैरह लगाते हो उसको हेल्प करता है। एंड दिस इज फ्रॉम इनसाइट प्रोफेशनल। लूज पाउडर की हम थोड़ी सी फ्रेग्रेंस ले लेते हैं, यार ये कुछ इस तरीके से है डॉट डॉट करके, ताकि ज्यादा लूज पाउडर नहीं निकले वरना सारा मेकअप गया पानी में। आई एम सॉरी ये मुझसे अभी खुल नहीं रहा है तो, और मैं इसको रखूंगी। सो पहला प्रोडक्ट जो निकला है वो लूज पाउडर, उसके बाद सेम पैकेजिंग में मुझे ये कोकोनट फेस क्रीम रिसीव हुआ है जो कि काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर आप कह सकते हो। एंड दिस इज फ्रॉम गुड वाइब्स। गुड वाइब्स के मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने पहले भी ऑर्डर किए हैं एंड यूज किया है, एक्चुअली इट सूट्स माय स्किन, सो अगर आपको चाहिए गो एंड चेक इट आउट। सो ये कोकोनट है मेरा मॉइस्चराइजर जो हिमालय का मैं यूज करती हूँ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो मैंने एडवांस में ही बुकिंग कर ली है। Outstanding fragrance. So, yeah, second product. Third, हम फिर से unpack करेंगे इसको. Let me guess. I guess इसमें एक है face wash, क्योंकि मैंने वो order किया था. Second, maybe toner. Yeah, again good. वैसे मेरे पास बहुत सारे products हैं good vibes के. मुझे लगता है good vibes के जितने भी products होते हैं वो आपको एक range में मिल जाते हैं and also it's good. As a cheap price में cheap quality. ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस चीप है बट द क्वालिटी इज गुड इनफ। सो
फेस वॉश, ये थर्ड टाइम है जब मैंने ये ऑर्डर किया है. मैं ऑलरेडी इसको दो बार यूज कर चुकी हूँ. मेरा ये खत्म हो गया था तो मैंने हिमालय का लिया था. खैर, इसके बाद आई ऑल्सो रिसीव्ड गुड वाइब्स का ही टोनर जो कि है ग्रीन टी. मैं टोनर यूज कर रही थी जो कि मेरा रोज वाटर है बट ये मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि चलो ग्रीन टी का देखते हैं हाउ इट वर्क्स. नो पैराबेन, नो एल्कोहल, विच इज गुड. सो जितने भी एल्कोहलिक हैं वो ये ना खरीदें. इसके बाद आई गॉट दिस वन मोर. इसमें देखते हैं क्या है. अगेन लेट मी गेस, इसमें मुझे लग रहा है कि मेरा आई शेडो पैलेट और ब्लश हो सकता है. उसमें तीन चीजें हैं बेसिकली. यार ये अनपैकिंग करते टाइम कितनी खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है. ये है एन वाई बे का सेटिंग स्प्रे जो न्यूली लॉन्च्ड है. ये मुझे ना ये तो लेट मी शो यू. मेकअप फिक्सर है बेसिकली, एनवाई का न्यूली लॉन्च्ड है ये अभी. एंड छुटकू है बट सुपर क्यूट है लगता है मुझे. मैंने मेकअप अप्लाई तो नहीं किया गया एक्सेप्ट बीबी क्रीम, बट लेट मी एंड वाई का मेकअप फिक्सर. आई गेस ये है ब्लश. आई लव ब्लश यार. मतलब आप बीबी क्रीम भी लगाओ ना एंड अपने चीक्स को थोड़े से पिंकिश या रेडिश, बहुत ज्यादा नहीं तो वो नहीं. अगेन आई रिसीव फ्रॉम एनवाई बे का ही ब्लश है ये. ब्लश, मुझे ब्लश यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है. वो बहुत मजा आता है ना, आपके जो चीक्स होते हैं वो थोड़े से पिंकिश या रेडिश में दिखते हैं तो इट लुक्स सो क्यूट. लेट मी सी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर ब्लश. अगेन छुटकू सा है बट ज्यादा चाहिए नहीं ना यार, बोलती है लड़की. Can you see it? Just perfect, yaar. Go for it. It's so cute. And blush ke baad I got Chutku eyeshadow palette. By the way, eyeshadow palette. मैंने सोचा था इसे थोड़ा सा बड़ा receive होगा, but ठीक है यार. ये भी आई गेस एन वाई बे का ही आई शेडो पैलेट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये क्यूट सा एन वाई बे का ही आई शेडो पैलेट. मुझे आई लव आई शेडो पैलेट. इसी सेम में मेरे पास आप देख सकते हो थोड़ा ब्लैकिश और ग्रे कलर का मैंने आई शेडो पैलेट मंगवाया है सेम प्राइस पे, सेम पैकेजिंग में एंड सेम ब्रांड से. आप अलग अलग कलर्स भी थे, जैसे कि ब्लू का कुछ सेट था, रेड और पिंक का था, बट मुझे अभी ये लेना था तो मैंने ये ऑर्डर किया है. एंड थोड़ा सा आप देख सकते हो इसमें शिम नॉर्मल भी है, जो भी आई शेडो पैलेट होता है थोड़ा सा शिमरी वाला भी है सबके साथ. प्लीज इग्नोर द मक्खी एंड मच्छर. ओके, आई शेडो पैलेट ये. इसके बाद अगेन रुको जरा सबर करो, और भी चीजें हैं. आई गॉट दिस. इसमें मुझे पता है एक का तो आई एम श्योर बिकॉज वो ब्रशेज हैं, मेकअप ब्रश. तो दिस इज द मेकअप ब्रश. ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस. ये अगेन एन वाई बे का ही है. लेट मी टेल यू, मैं कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है एन वाई बे, बट यस मैंने ये सारे गुड वाइब्स एन वाई बे इन सब पर्सनली यूज किए हैं. सो आई लव इट एंड आई ट्रस्ट इट. सो ओ माय गॉड, जस्ट क्यूट, सुपर क्यूट, सुपर क्यूट. सी यार देखो, थोड़े ब्रशेस पे ना अच्छे से इन्वेस्ट कर लो. दिस इज फॉर हाइलाइटर. हाइलाइटर के लिए है ये, है ये, है बहुत सारे हैं बाय द वे. इसके बाद इसी के साथ अगेन आई गॉट एन वाई बे का ही जो ये है कंसीलर. थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स तो है, उसको भी तो हाइड करना पड़ेगा ना. एंड ये भी एन वाई बे से ही है. सी द रीजन ऑफ परचेजिंग दिस ब्रांड इज दैट इज
आपके बजट फ्री है, ये सारे जितने भी ये ब्रांड है बजट फ्री है, आप ले सकते हो. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो इट्स गुड फॉर क्वालिटी. ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो इन्होंने कुछ भी क्वालिटी के साथ सेक्रीफाइस किया. माई पर्सनल ओपिनियन अगेन, मैंने आपको बताया कि जो मेरा ये सीसी क्रीम मैं अभी यूज कर रही हूँ दैट इज ऑल्सो फ्रॉम एनवाई बे. इससे पहले भी मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स यूज किए हैं. सो दिस इज कंसीलर, एनवाई बे का ही है. इसके बाद खत्म होने को आया है. आई गॉट दिस ऑल्सो, इसमें भी मुझे लग रहा है दो चीजें हैं शायद इसमें हो, आईब्रो पेंसिल एंड काजल आई गेस. हाँ कुछ तो है. ये है प्राइमर, मेरा प्राइमर खत्म हो चुका है अगेन एनवाई बे प्राइमर. ये है आई गेस ये काजल नहीं है, दिस इज लैक्मे का आईब्रो पेंसिल एंड मैंने इसको ब्राउन कलर में मंगवाया है, नहीं ब्लैक में ही है आईब्रो पेंसिल. वैसे मैंने शायद से ब्राउन ऑर्डर किया था, ब्लैक नहीं किया था, बट आई डोंट नो. इसके साथ मुझे एक आई गेस एक फ्री है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही आईब्रो पेंसिल मंगवाया था, बट दैट्स ओके, पर्पल लव्स मी. कुछ और है, हाँ ये है, ये इसको मैंने खोल के ऑलरेडी चेक कर लिया है क्योंकि जो ये बॉक्स से हट कर ही आया था बाद में. तो ये है कॉन्सेप्ट से हटकर, ये सारे प्रोडक्ट थे जो मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. वैसे आप समझ रहे हो ये सारे प्रोडक्ट्स आने का मतलब ये है कि जो अब वीडियोज आने वाली है दैट विल कम रिलेटेड टू मेकअप एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज. कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, देख ही लिया है वीडियो तो. एंड अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दो ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं. हाँ ओके, लेकिन ये मैंने शुगर की वेबसाइट से मंगवाया था, ये जो न्यू है न्यूली लॉन्च्ड शुगर का फाउंडेशन, न्यूली लॉन्च नहीं है शुगर का 24 आवर्स फाउंडेशन शुगर का है ये. आई हैव नॉट यूज्ड इट येट, मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है, बट हाँ मुझे ये भी I don't know if you are able to see the difference, but मैं देख सकती हूँ. Okay everyone, so that is it for today. अगर आपको मेरी videos अच्छी लगती हैं so please मेरी video को like कीजिए, channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना यार. और आप लोग videos को मेरे channel को share करते हैं, I don't know, but हाँ please मेरे channel को recommend कीजिए more and more people से on social media platform, that will be a great help. क्वेश्चन है, फीडबैक है, या कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको, कुछ चीज़ें जो मुझे चेंज करनी चाहिए या इम्प्रूव करनी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि अगेन मैं बहुत न्यू हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत कुछ सीखने को भी बाकी है. बट हाँ मैं फॉर श्योर ट्राई करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ जो मैं दे रही हूँ अभी तक, एंड सिर्फ आपका प्यार चाहिए. सो या ओके एवरीवन, बाय बाय, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में. वैसे मैं बहुत जल्द मीशो हॉल लेकर आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, बाय.